भाई सबसे पहले तो इस शानदार व्यू के लिए कमेंट में लिख दिए जय हिंद जय भारत। हाय मेरे दोस्तों, कैसे हैं? स्वागत है आपका एक और व्लॉग में। आधी रात को निकल पड़े भैया घूमने के लिए, पवन अमन झोला। लोग सोच रहे हैं कि भैया हमको हमारे घर से निकाल दिया। ये देखो चल चल रहे, चलो दिल्ली, चलो दिल्ली। अजी हाँ, दुबई गैंग, चलो चलो दुबई दुबई दुबई। दिल्ली जा रहे, तो दिल्ली जा रहे, एयरपोर्ट देख के आ रहे, सही है कि नहीं है, फिर दुबई जाएंगे। सफाई शुरू करवा देंगे उससे हम। हाँ टेंशन ना लो, कौन जा रहा है वाला। चलो ठीक है फिर, हाँ बाय। तो भाई ये अपने सारे दोस्त हैं और अभी हमारा सबसे बड़ा टास्क है कि भैया हमको ऑटो या रिक्शा पकड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि भाई 9:30 की हमारी ट्रेन है। ठंड भयंकर है, इस ठंड में हमने रिस्क बहुत बड़ा लिया है और देखते हैं कि दिल्ली जाके मौसम कैसा है। असल में ये मैं आपको बताऊं कि प्लान कैसे बना। ऐसे ही बैठे हुए थे तो अमन भाई भी कहने लगे कि काफ़ी दिनों से मैं भी कहीं नहीं गया, तो मैंने कहा चलो यार घर के पास ही है दिल्ली, दिल्ली चलते हैं। पहले प्लान बना था बस का, फिर हमने बोला नहीं भाई हम लोग जाएंगे ट्रेन से, ठंड ज़्यादा है। तो अमन भाई एक्साइटेड हो? हाँ बिल्कुल, है ना, ठंडा देखो ना कैसा हो रहा है। तो आखिरकार पहुंच चुके हैं भाई रेलवे स्टेशन और यहाँ पे देखो भाई अपना तिरंगा क्या मस्त लग रहा है यार, क्या खूबसूरत तरीके से लहरा रहा है यार, देख रहे मोहन भाई। तो चलो भाई ऑटो वाले ने हमें छोड़ दिया भाई 200 रुपये में। भाई एक बात बोलूं, 200 रुपये में हम घर से स्टेशन तक आए, 300 रुपये में हम देहरादून से दिल्ली जा रहे हैं, देख रहे भैया। तो चलो भाई अभी चलते हैं और अपनी ट्रेन पता करते हैं कि अभी प्लेटफॉर्म में लगी है कि नहीं लगी है। तो भाई अपनी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे लग चुकी है और अपना जो डब्बा है S5 का ये भी है। तो भैया ये जो ट्रेन है दिल्ली से देहरादून जा रही है, 10 घंटे लगभग लगेंगे। जाना तो हमको बस से था पर बस में क्या है ना भाई कोहरा ज़्यादा हो रहा है, तो हमने सोचा ट्रेन से जाएंगे आराम से और सुबह हमको ट्रेन पहुँचा देगी। ट्रेन का सफ़र है, सीट भी अपनी कन्फर्म होगी तो आराम से सोते हुए जाएंगे भाई। और जब आपने मेरा मुंबई वाला ब्लॉग देखा था यार, काफ़ी लोगों ने बोला था भैया क्या यार टॉयलेट के किनारे बैठ के जा रहे हो यार, वो मजबूरी थी, वो मैंने ना ऑन द स्पॉट टिकट ली थी तो इसलिए भाई मुझे वेटिंग में मिली थी। हालांकि टिकट मैंने स्लीपर की ली थी पर क्या है ना मुझे वेटिंग में मिली थी। तो अभी क्या है ना जब देहरादून से ट्रेन चलती है लगभग तो टिकट वगैरह आराम से मिल जाती है, क्योंकि यहाँ से ना ट्रेन ज़्यादा भर के चलती नहीं है। तो बस अभी लगभग 15-20 मिनट में अपनी ट्रेन चल जाएगी और ट्रेन का सफ़र मज़ा आता है भाई अपने दोस्तों के साथ। और यहाँ पे हम लोग हिसाब किताब जोड़ रहे हैं, जोड़ ले हिसाब बराबर हो गया ना, एक पैसा भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, नहीं तो भैया दोस्ती में आ जाएगी। खैर वो तो चलता है, दोस्ती है तो भैया, पर ये कि चलो किसी के मन में कुछ ना रहे तो भैया चिल्लर चिल्लर हिसाब जोड़ लेते हैं। अरे विक्रांत भाई कैसा लग रहा है फिर सफर? भैया ये वाली सीट अपनी है, अच्छा एक ऊपर वाली है और एक ये वाली है, इस वाले में बैठे हैं। अमन भाई के लिए सॉरी है क्योंकि इनको जाना था बस से, हमने कहा ट्रेन से, बट फिलहाल तो ट्रेन खाली है, देखियो ट्रेन खाली है पवन, उस तरफ पूरी खाली है ना। हाँ खाली है, पैसेंजर ट्रेन है ना, तो फिर आराम से जाएंगे मस्ती मारते हुए। ठीक है ओके। क्या मोटा आदमी, क्या आप अपने मोटापे से परेशान है? Yes. हैं? हम जितने मोटे हो जाएं पर ये ट्रेन हमारा भार संभाल लेगा, वो गिर जाएगा देखो। नहीं गिरेगा, वो टूटने वाला जैसा हो रहा है इसका हैंडल। ठीक है, और ये आदमी बीच में है, एक सीट ऊपर भी है और एक सीट नीचे भी है और इसका वजन कम से कम 1 क्विंटल। ट्रेन में ना एक सिस्टम ये भी होना चाहिए, जब सीट बुक करो ना जो उम्र डालते है ना उम्र के साथ साथ वजन भी डालना चाहिए ना। नहीं उम्र के साथ साथ वजन में डालना चाहिए, उस हिसाब से सीट देनी चाहिए। और एक 100 किलो का आदमी ऊपर बीच वाली सीट पे लेटा है। एक आदमी आपको ऐसा दिखाता हूँ जो अपने बीवी से परेशान है। नेटवर्क भाग गया यार। क्या आप अपनी बीवी से परेशान है? नहीं बिल्कुल नहीं है। यहाँ दिखाइए कैमरा बना रखा है। और आप? और एक ऐसा आदमी है, हम खुश हैं पूरी जिंदगी में खुश हैं। ये देखो भाई मजा आ रहा है ट्रेन में, मजा आ रहा है फुल। मैं कह रहा था ना कि ना जिसे नाम पूछता है उम्र पूछता है ना तो साथ में वजन नहीं पूछना चाहिए, तो उस हिसाब से सीट देनी चाहिए।
तो चलो भाई अभी हम सो जाते हैं, क्योंकि अगर अभी नींद पूरी नहीं करी ना फिर सुबह हम लोग इंजॉय नहीं कर पाएंगे। ओके फिर गुड नाइट। तो अमन भाई नींद कैसी आई? बहुत बुरा हाल हो गया। क्यों? नींद नहीं आई, मुझे आदत नहीं है। तुम्हें? तू तो सोता रहा पूरी रात है ना। मस्त है ना? अरे बाबा मैं भी सो गया था आराम से। तुम बिल्कुल नहीं सोए? बिल्कुल नहीं। अच्छा भैया हम तो आराम से सो गए थे, बस अभी 15-20 मिनट रह गया है फिर उतर जाएंगे आराम से। तो ठंड कर रही है, पेन किलर लेनी पड़ेगी। अच्छा यार इतना बुरा हाल इतने छोटे सफर में? हमें तो तुम्हें कितना सफर है सबसे लंबा? 3 दिन का? मेरा भी रहा है 2 दिन का। तो 13-14 साल बाद आया हूँ। अच्छा आदत ही है ना। अपने को तो आदत है, 7 साल दुबई में ऐसे बैठ होते थे ऊपर नीचे वाले हल्ला उल्ला होता था। हाँ आदत पड़ चुकी है, कोई दिक्कत नहीं होती। तो चलो भाई थोड़ा सा फ्रेश हो जाते हैं फिर स्टेशन उतरेंगे 15-20 मिनट के बाद, और उसके बाद आगे का सफर कंटिन्यू करेंगे दिल्ली। फ़ोन कर दिया जा रहे हम? फ़ोन कर दिया? नहीं अभी नहीं। फ़ोन कर दो उसको, फ़ोन कर दो फटाफट। हाँ सो गाइस चेक कर रहे हैं यार दिल्ली का कोर है यार, बड़ा भयंकर हो रहा है यार। सुबह के अभी लगभग 7:30 बज रहे हैं और अपनी तो गुड मॉर्निंग हो गई थी, लगभग 5 मिनट में हम स्टेशन में पहुँच जाएंगे। भाई फाइनली पहुँच चुके हैं ओल्ड दिल्ली स्टेशन में। ओल्ड दिल्ली ना? तो भैया फिलहाल पहुंच चुके हैं स्टेशन पे, और भैया दिल्ली उतर के पता नहीं था कि भैया इतना भयंकर ठंडा हो रहा होगा, पूरा कोहरा हो रहा है। और अभी यहां से हम जाएंगे अपने दोस्त के पास। मजे की बात ये है कि जिसके पास जाना है वो फोन नहीं उठा रहा है। तो भाई तेरी जिम्मेवारी थी ये। हाँ फोन कर उसको, फोन कर। भैया फोन नहीं उठा रहा है। लोकेशन पता है तुझे? एड्रेस मालूम है? तो चलो भाई, हाँ मैं लक्ष्मी नगर जा रहा हूँ भाई, लक्ष्मी नगर में हम रुकेंगे अगर दोस्त ने फोन उठा लिया, वरना एड्रेस उसको मालूम है। तो 2 दिन वही रुकने वाले हैं और देखते हैं कि भैया ऐसे कोहरे में तो बाहर निकलना मुश्किल रहेगा। घर जाते हैं, नहाते धोते हैं फिर निकलते हैं थोड़ा दिल्ली घूमने के लिए। तो भाई कहते हैं ना दिल्ली में आके आपको कट जाना, तो हम भैया इस ऑटो में आए थे और इन्होंने पहले हमको बोला कि भाई 150 रुपये में छोड़ देंगे, बट आधे रास्ते में आगे उन्होंने बोला कि भाई मैं नहीं जा सकता, आप 200 रुपये लगेंगे यहाँ से, सिर्फ और सिर्फ 500 मीटर की दूरी है, सिर्फ 500 मीटर। ठीक है, और ये क्या है ना यार, सुनो अमन अभी तुमने गलती करी यार। अबे भाई यहाँ पे शरीफ नहीं बनना है, तू भी शरीफ नहीं बनना है भाई। यहाँ अपने चाचा ताऊ नहीं है, पैसे दे रहे ना 150 रुपये कमाने के लिए, मेहनत मजदूरी लगती है ना, 500 मीटर थोड़ी देंगे पागलों की तरह, अब जाना पड़ेगा। तो भाई ये बोलते हैं ना कि दिल्ली में फ्रॉडबाजी है, तो भैया ऐसे बेको बनाए थे अभी, सिर्फ और सिर्फ यहाँ से ना 500 मीटर है। वहाँ पे एक भैया भी थे, उन्होंने बोला छोड़ दो पास ही तो है, कहने लगे कि नहीं ऐसा है 50 रुपये लगेंगे। तो मतलब ये है कि भैया दिल्ली जब घूमो ना थोड़ा सा, भाई अमन भाई थोड़ा सा ना तेज रहना है, सतर्क, मतलब बुरा मत मानना मेरी बात का। नहीं 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 भाई, भाई पैसे दे रहे हैं ना, सर्विस का पैसा दे रहे हैं भाई, फ्री में तो कोई छोड़ नहीं रहा है। तो भाई अभी हमें यहाँ पे पैदल चलना पड़ेगा बेमतलब में, मतलब पैसे दे के भी हम पैदल चल रहे हैं, क्योंकि मैंने ना ऑटो क्यों करी थी पता है? सही बताऊँ, क्योंकि हमको ना मेट्रो से पैदल ना चलना है बोल के मैंने ऑटो करी थी। चलो छोड़ो यार, अभी मूड ही ख़राब हो गया। बरेली के थे अमन? यहीं पर ही है? हाँ यहीं पर ही यार। तो भाई लगभग आ चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पे, और इधर ही बता रहे हैं इधर ही पे बिल्डिंग में कमरा है तो यहीं रहने वाले हैं। तो कैसा लग रहा है भाई दिल्ली? दिल्ली आ गए तो थोड़ा सा अभी इधर बैठेंगे, रेस्ट वेस्ट करेंगे फिर निकलेंगे आगे। यहाँ तो भैया सुबह सुबह आलू प्याज वाले आ गए 7:30 बजे ही। तो दोस्त के होने का फायदा है कि भैया आराम से हमारे होटल के पैसे बच गए, उसके घर को कर दिए लॉक क्योंकि वो गया काम पे, और हम लोग जाने वाले हैं अभी घूमने फिरने के लिए। तो फ्रेश फ्रेश हो गए ना, अभी निकलते हैं है ना यहाँ से। तो चलो भाई आ जाओ। और भैया यहाँ पे ये देखो भैया, लाइफ तो यहाँ की सेम सेम है जैसे अपने वहाँ विदेश की थी, छोटे छोटे कमरे लोग वाग रहते, तुम्हारे तो अजीब लग रहा होगा ना। छोटी छोटी गलियों से फर्नीचर कैसे चढ़ाता हूँ यार, सब हो जाता है भैया। ये तो लाइफ है, ये लाइफ ना जो हमसे गाँव वाँव में रहते हैं ना वो नहीं रह पाते क्योंकि उनको आदत नहीं होती ना। अभी वहाँ के हम धूप में कपड़े सुखाते हैं, यहाँ देखो ऐसे सूख रहे हैं देख रहे। तो मतलब बड़े बड़े शहर में जाओ ना पैसा तो है पर ये ना कंजेस्टेड होकर रहना पड़ता है, सर बजा के चलना। तो चलो भाई अभी यहाँ से अभी निकलते हैं, सबसे पहले हम लोग करते हैं नाश्ता, नाश्ता पानी करते हैं फिर निकलते हैं थोड़ा बहुत घूमते हैं। मौसम तो अभी थोड़ा बहुत ठीक है, धूप वगैरह निकल रही है, सबसे पहले हो जा भाई पेट पूजा। भैया कौन सा आलू का पराठा है? आलू का अंडे का दोनों है। कितने का आलू का? आलू का 30 का तो है। 30 का तो लगा लेते हैं ना। आलू का क्या अंडे का बताओ?
25 का भैया मेरे को तो दो आलू के दे दो तुम्हें। ओके और तुझे? ठीक है भैया लगा दो, ताजे है ना भैया? बस ठीक है, थैंक यू सो मच। अरे लक्ष्मी नगर, ये जगह कौन सा? लक्ष्मी नगर जमुना पार। अच्छा तो चलो यार, दिल्ली का तो मुझे पता था कि भैया खाना तो सस्ता मिल जाता है स्ट्रीट साइड में, स्ट्रीट फूड। तो अभी 30 रुपये में लोग पराठा खाते हैं, पेट भरते हैं, फिर निकलते हैं आगे की ट्रिप के लिए। खाना सस्ता है ना? खाना सस्ता है ना? खाना हाँ, 25 का अंडे वाला है और आलू वाला 30 का है। हाँ दिल्ली है भाई ये तो। गाइस चेक करो यार, गर्मा गर्म ठंड में आलू के पराठे हैं और अंडे के पराठे, मज़ा आ जाएगा भाई। और भैया पता चल रहा है कि भैया हमारे हैं बिहार से, कहीं भी चले जाओ भाई बिहार और यूपी वाले मेहनत कर रहे हैं दबा के। तो भाई अभी हम लोग करने वाले हैं बस में सफ़र, बस आ चुकी है और सीधा जा रहे हैं नेहरू प्लेस। तो चलो भाई दिल्ली की बस का सफ़र का एंजॉय लेते हैं। तो अभी हम लोग आ गए थे नेहरू पैलेस में और शॉपिंग हमने कर ली। पवन ने ले लिया भैया अपने फ़ोन के लिए कवर और अमन भाई ने लिया है अपनी वाइफ के लिए तोहफा एयरबड्स। तो प्राइस बता दें इसका, तो हमें ये 800 रुपये का पड़ा है और ये 150 रुपये का पड़ा है। और मैंने भी आईफोन का कवर लिया है जो कि मैं अभी दिखा नहीं सकता, तो पता नहीं यार महंगा पड़ा सस्ता पड़ा समझ नहीं आया, बस हमें पसंद आया तो हमने फिर ले लिया। और यहाँ पे देखो भाई इलेक्ट्रॉनिक की बहुत ज़्यादा बहुत बड़ी मार्केट है यार। तो भैया आ गए हम एक और जगह पे, बस ने एकदम मस्त करके फेंका, भयंकर धक्का देते हैं ना बस। चलो चले फिर चलते हैं आगे, निकलते मजा आ गया। लूट लिया हमको, ढूंढ रहा है 600 में हमने यार दिल्ली में हमने एक नोट करी एक बात, मतलब जितने भी जैसे कि बाहर जो कुत्ते होते हैं ना, जैसे लोग छोड़ देते हैं या स्ट्रीट डॉग, सबको कपड़े पहना रखे हैं, सबको कपड़े पहना रखे भाई। ये सही है यार, अब पता नहीं यहाँ पे एनजीओ वाले कर रहे हैं या गवर्नमेंट कर रही है, मतलब भाई जानवर की भी कदर है यार यहाँ पे। देखो यार सही लगा यार ये चीज़। तो दोस्तों मेरे को ना यार बड़ा काला पानी पीने का मन था, तो मैं काफ़ी दिनों से ना इसको देखता था, तो आज लकीली मुझे मिल गया भाई। 100 रुपये की बोतल है और पी के देखा तो नॉर्मल ही था, मतलब स्वाद वाद कुछ नहीं था। पहले थोड़ा डर लगा कहीं यार गटर का पानी तो नहीं है, फिर जब पिया तो लगा नहीं यार, अब कह भी नहीं सकता गटर का पानी तो कभी पिया नहीं, बट आज काला पानी भी हमने ट्राई कर लिया भाई। सबसे पहले तो इस शानदार व्यू के लिए कमेंट में लिख दिए जय हिंद जय भारत। तो काम से फुर्सत लेके हम लोगों ने टाइम निकाला और टाइम निकाल के हम लोग दिल्ली पहुंच गए। ठंड ज्यादा थी और दिल्ली पहुंच के भैया हमने देखा सबसे शानदार व्यू तिरंगे का। तो इस व्लॉग को ही एंड करते हैं, हम मिलते हैं अगले व्लॉग में। अंटिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद जय भारत।